आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। ऐसे विचार किसी सफल उद्योगपति के ही हो सकते हैं, लेकिन आज हम जिनकी बात कर रहे हैं वो सिर्फ उद्योगपति नहीं बल्कि भारत के महान नायक भी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YMCA संचार और मैं हूं आपके साथ पलक। आज के स्पेशल एपिसोड में हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जिन्होंने न केवल भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया बल्कि समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि बात हो रही है टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष, देश के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक रतन टाटा की। कल यानी 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का निधन हो गया। इस दिन को भारत के हर वर्ग द्वारा शोकपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। उनके निधन से पूरा देश शोकाकुल है, इसलिए नहीं क्योंकि वे एक उद्योगपति थे बल्कि इसलिए क्योंकि समाज के प्रति उनकी निष्ठा भी अतुलनीय थी। 28 दिसंबर 1937 को सूरत गुजरात में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से की और बाद में आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नल यूनिवर्सिटी गए। इसके बाद 1991 में टाटा समूह की भागदौड़ संभाली और कंपनी को एक नई दिशा में ले जाने का श्रेय अपने नाम किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपने पंख फैलाए और कोरस और जैगुआर लैंड रोवर जैसी कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने न केवल अपने व्यावसायिक रणनीतियों को बदला बल्कि समाज सेवा में भी कदम रखा। 2008 में उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च किया जो आम आदमी के लिए किफ़ायती कार थी। ये उनके नवाचार और दूरदर्शिता का उदाहरण था। टाटा ट्रस्ट को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अनेक बड़े बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। रतन टाटा ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को अल्जाइमर रोग के अध्ययन के लिए 750 मिलियन रुपए का अनुदान किया। इसके अलावा उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा मेमोरियल सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह के राजस्व 1991 में 5.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2012 में 100 बिलियन डॉलर हो गया। इसके अलावा व्यापार को सामाजिक जिम्मेदारी समझकर काम किया। उनकी सोच हमेशा से ये रही कि व्यापार को समाज के लिए भी फायदेमंद होना चाहिए। उनके देश प्रेम से जुड़ा एक किस्सा भी याद आता है जब 2008 के मुंबई अटैक के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो मेरी पूरी संपत्ति को बम से उड़ा दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित करो कि एक भी आतंकवादी यहाँ से जिंदा निकलने ना पाए। उनके इन प्रयासों ने लाखों लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 2000 में उन्हें पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें 2009 में नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का सम्मान भी मिला। रतन टाटा का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाता है कि कैसे व्यापारिक सफलता के साथ साथ समाज सेवा और जन कल्याण भी महत्वपूर्ण है। उनके निधन से भारतीय उद्योग जगत ने एक महान उद्योगपति के साथ साथ एक बहुत बड़े समाज सेवी को भी खो दिया है, लेकिन उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी और उनके योगदान को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम रतन टाटा जी के जीवन और उनके महान कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। धन्यवाद।